तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते के सारी शोज़ की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते के सारी जो शोज़ हैं वो खत्म हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ हमें देखने मिले इस हफ्ते। आप बात करने वाले हैं व्यूअरशिप के बारे में, इस हफ्ते किसको कितना फ़ायदा हुआ उसके बारे में। तो सारे शो की व्यूअरशिप होने वाली है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर ऐसी कुछ कमाल की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पर सबसे पहले शो के बारे में, जो कि सबसे पहले दिन हमें देखने मिलता है यानी कि मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो इस हफ्ते का जो रॉ का एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मतलब शुरू से कह सकते हैं ओपनिंग से लेकर एंडिंग तक काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी रॉ की। जहाँ पर ओपनिंग में हमने देख लिया था ड्रू मैकइंटायर का कैर, मतलब ड्रू मैकइंटायर का रिटर्न हुआ था, और पूरे शो के चलते जिस तरीके से उन्होंने रैंडी ऑर्टन में क्लेमोर बजाई थी उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। साथ ही शो के ऊपर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिली थी। मेन इवेंट तो काफ़ी ज़्यादा गजब का ही था, जहाँ पर स्ट्रीट फाइट हमें देखने मिली थी और पूरी मिस्टीरियो फैमिली ने अटैक करता मर्फी के ऊपर, और पूरा शो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने मिला था। सेड्रिक अलेक्जेंडर का हील टर्न हुआ था, तो पूरा ओवरऑल शो की बात करें काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो बात करें व्यूअरशिप के बारे में, मतलब इतना कमाल का शो देने के बाद WWE को क्या व्यूअरशिप में फ़ायदा हुआ या फिर नहीं? तो गाइस यहाँ पर फ़ायदा तो हुआ नहीं है WWE को, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी व्यूअरशिप है वो पिछले हफ्ते से घट चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते की जो उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 1.725 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 1.896। तो यहाँ पर ये 9% इनकी व्यूअरशिप घट चुकी है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर व्यूअरशिप घट क्यों रही है, क्योंकि WWE की तरफ से शोज काफ़ी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। इस हफ्ते भी काफ़ी ज्यादा कमाल का शो हमें देखने मिला था, मतलब मुझे रॉ से कोई भी शिकायत नहीं है। इस हफ्ते शो की बात करें काफ़ी ज्यादा था, रेट्रीब्यूशन भी हमने देख ली थी शो के ऊपर, तो शो में कह सकते हैं किसी भी तरीके की कमी नहीं थी। अब पता नहीं है व्यूअरशिप क्यों घट रही है। वैसे भी हम ज़्यादातर यही देखते हैं WWE की तरफ से शो अच्छे आते हैं तो व्यूअरशिप घट जाती है, और कभी कभार बेकार शो जाता है तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। तो शायद अगले हफ्ते इनकी व्यूअरशिप बढ़ती हुई नजर आए। इस हफ्ते तो कह सकते हैं यहाँ पर WWE को 9% का घाटा हुआ है। अगले शो की बात करें यानी कि NXT के बारे में, तो इस हफ्ते का NXT का एपिसोड भी काफ़ी ज्यादा कमाल का था कह सकते हैं। वहां पर हमें डबल मेन इवेंट देखने मिला था। पहला मैच हमने देखा था एडम कोल फिन बैलर के बीच हुआ था, जो कि मैच कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, और वहां पर हमें देखने मिले थे हमारे न्यू NXT चैंपियन जो कि फिन बैलर बन गए थे। वही मेन इवेंट में हमें एक स्टील केज मैच देखने मिला था जो कि रिया रिप्ली वर्सेस मर्सिडीज मार्टिनेज के बीच था। तो दो कह सकते हैं कमाल के मैचेज हमें देखने मिले थे पूरे शो में। तो शो कह सकते हैं NXT का भी काफ़ी अच्छा हमें देखने मिला था। तो यहाँ पर भी व्यूअरशिप की बात करें तो यहाँ पर भी NXT की व्यूअरशिप घटी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी घटी है, जो कि इस हफ्ते की जो उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 8,38,000, और उससे पहले हफ्ते की हम बात करें तो वो थी 8,49,000। तो यहाँ पर ये 1.3% इनकी व्यूअरशिप घट चुकी है। तो वही मैं कह रहा हूँ WWE के साथ सीन उल्टा चलता है, यहाँ पर इनके शो अच्छे जाते हैं तो व्यूअरशिप घटे आती है। इस हफ्ते का NXT का शो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। फिन बैलर और एडम कोल का मैच तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, और फिन बैलर अब न्यू चैंपियन बन चुके हैं, तो उम्मीद है आगे चल के NXT की जो व्यूअरशिप है वो भी उनकी बढ़ती हुई नजर आए। अगले शो की बात करें यानी कि गाइस AEW डायनामाइट के बारे में, तो उनका जो इस हफ्ते का डायनामाइट का एपिसोड था वो उनके पेपरव्यू ऑल आउट के बाद का पहला एपिसोड था, जहाँ पर हमने कह सकते हैं कमाल के मैचेस देखे थे, और साथ ही एक बड़ा सरप्राइज देखा था जो कि मीरो का यानी कि रूसेफ का डेब्यू हुआ था इस हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड में। तो कह सकते हैं उस डेब्यू के बाद, उस मतलब एपिसोड के बाद, यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया है, क्योंकि जो उनकी व्यूअरशिप है वो 1 मिलियन के पार जा चुकी है। तो सोच सकते हो 1 मिलियन के पार उनकी व्यूअरशिप चली गई, तो कितनी ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप बढ़ी है, क्योंकि इस हफ्ते की जो उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 1.016 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें उससे पहले हफ्ते की तो वो थी 9,28,000। तो यहाँ पर ये 9.5% की व्यूअरशिप बढ़ी है। तो कह सकते हैं डायनामाइट को तो काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते फायदा हुआ है, और बिल्कुल ऑल आउट के बाद का पहला एपिसोड था, काफ़ी सारे फैंस ने इसको मतलब देखा कि ऑल आउट के बाद होता क्या है। और वैसे भी हमें पता आगे चल के अब काफ़ी सारी जो नई स्टोरीज हैं वो चालू होने वाली हैं, जैसे कि हमें बात करें जॉन मॉक्सली और लैंस आर्चर की, इनकी फ्यूड चलने वाली है। साथ ही इस हफ्ते शो के ऊपर हमने ब्रोडी ली और डस्टिन रोड्स का मैच भी देखा था TNT चैंपियनशिप के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो इस हफ्ते का डायनामाइट का एपिसोड भी काफ़ी अच्छा हमें देखने मिला था, जहाँ पर आप व्यूअरशिप से पता चल ही सकता है आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। 1 मिलियन में, मतलब 1 मिलियन के ऊपर ही व्यूअरशिप जा चुकी है। तो एपिसोड तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिला था। आप देखते हैं आगे चल के मीरो भी आ चुके हैं यानी कि रूसेव आ चुके हैं, तो आगे चल के AEW के अंदर और क्या क्या कमाल होता है वो नज़र आता है। लास्ट शो की बात करें यानी कि गाइस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, इस हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने मिली थी। रोमन रिंग्स थे, उसो थे, मेन इवेंट में हमें इनका टैग टीम मैच देखने मिला था, और साथ ही बेली भी थी जो कि शो के ऊपर बताने वाली थी क्यों उन्होंने अटैक करा सासा बैंक्स के ऊपर। साथ ही शो के ऊपर हमें एक फेटल फोर वे मैच देखने मिला था, ब्रे वायट अपना न्यू कैरेक्टर रिवील करने वाले थे शो के ऊपर कह सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी कुछ हमें देखने मिला था। और यहाँ पर जो इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब मैं आपको बताऊँगा, देखो इस हफ्ते की जो उनकी ओवरनाइट व्यूअरशिप निकल के आई है, अभी जो एग्जैक्टली नंबर है वो निकल के आए नहीं है, तो ओवरनाइट जो उनकी व्यूअरशिप गई है वो ये 2.261 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें उससे पहले हफ्ते की तो वो थी 2.129। तो यहाँ पर ये 6.2% व्यूअरशिप बढ़ चुकी है इनकी।
अब मैं आपको बताऊँ, मुझे इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है ज़्यादा उतना कुछ खास लगा नहीं था रॉ के मुकाबले या फिर NXT के मुकाबले, और यहाँ पर वही सीन निकल के आ रहा है, एपिसोड ज़्यादा कमाल का था नहीं लेकिन फिर भी इनकी व्यूअरशिप यहाँ पर बड़ी है, और रॉ NXT के इतने कमाल कमाल के शो गए लेकिन वहाँ पर उनकी व्यूअरशिप बड़ी नहीं। स्मैकडाउन का एपिसोड लास्ट वीक कह सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने मिला था, लेकिन इस हफ्ते ज़्यादा मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं था क्योंकि रोमन रिंग्स उसो के बीच हमने ज़्यादा कुछ उतना कमाल का देखा नहीं था। साथ ही शो के ऊपर कुछ मतलब बकवास से मैचेस थे, जैसे कि सेजारो और नाकामुरा लुचा उस पार्टी, इनका कुछ मतलब बेकार था। साथ ही वो फेटल फोर वे मैच किसी मतलब का नहीं था, बस मैच के चलते एक ही मोमेंट अच्छा था उसका, एलेक्सा ब्लिस ने सिस्टर एबिगेल लगाया था बस वो। ज़्यादा कुछ मुझे इस हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड में खास लगा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इनकी व्यूअरशिप है वो बढ़ चुकी है, तो WWE के साथ पूरा सीन उल्टा चल रहा है, बेकार एपिसोड जाते हैं तो व्यूअरशिप बढ़ जाती है और अच्छे एपिसोड जाते हैं तो यहाँ पर इनकी व्यूअरशिप घट जाती है, तो पता नहीं WWE के साथ सीन क्या चलता है। लेकिन जो भी है, इस हफ्ते के स्मैकडाउन, इस हफ्ते के सारे शो की ये थी व्यूअरशिप, और इस हफ्ते के शो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही हमें देखने मिलते हैं। स्मैकडाउन थोड़ा सा फीका सा मुझे लगा था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं WWE को फायदा हुआ है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना आपको इस हफ्ते का कौन सा शो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, रॉ, स्मैकडाउन, NXT या फिर AEW डायनामाइट, जो भी इसके बारे में नीचे कहना कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक की बिना कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।